हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरडी कुकिंग। मैं हूं पूनम और आज हम बना रहे हैं बहुत ही फटाफट इंस्टेंट सी बनने वाली जलेबी। बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही जल्दी बन जाती है। आप देख सकते हो कितनी क्रिस्पी है, अंदर से जूसी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे बनाना। तो यहाँ पहले हम चाशनी बना लेते हैं। तो मैंने इस तरह का पतीला लिया है जो छोटी साइज़ है और हाइट में बड़ा है। तो यहाँ पर मैं 2 कटोरी शक्कर ले लेती हूँ और उसमें हम डालेंगे 1 कटोरी पानी। तो यहाँ पर हम चाशनी रेडी कर लेते हैं। सबसे पहले कटोरी की साइज़ सेम रहेगी शक्कर और पानी वाली, इसको उबाल लेते हैं बढ़िया से और चाशनी रेडी कर लेते हैं। पहले इसमें थोड़ा सा इलायची पाउडर डाल रही हूँ, जैसे थोड़ा सा 1/4 छोटे चम्मच जितना। और यहाँ पे थोड़ा सा रंग डाल रही हूँ, तो ये रंग रहेगा अपना येलो केसर जो रहता है, केसर येलो कलर। और थोड़ा सा केसर भी ऐड कर रही हूँ कलर के लिए। तो बहुत ही अच्छा कलर आप देख सकते हो चाशनी में आ चुका है। आप चाहे तो लिक्विड कलर भी यूज़ कर सकते हो जलेबी के लिए, ऑरेंज या येलो जो आप चाहे वो आप यूज़ कर सकते हो कलर इसमें। तो चाशनी मेरी बिल्कुल रेडी है, उबाल अच्छा आ चुका है। तो गैस को कर देते ऑफ और यहाँ बैटर बना लेते। तो यहाँ मैं ले रही हूँ 1.5 कटोरी जो मेज़रमेंट मैंने चाशनी के लिए, तो वही मेज़रमेंट से मैं यहाँ पे मैदा ले रही हूँ। ये मैदा है 1.5 कटोरी मैदा। इसमें डाल देंगे 1 बड़ा चम्मच शुद्ध घी का। घी अभी ठंड के कारण जमा हुआ है, कोई बात नहीं, मिक्स करने पर ये अच्छे से मिल जाएगा। इसमें डाल रही हूँ मैं इनो का 1 छोटा सा पाउच और इन सबको कर देंगे मिक्स। ये इंस्टेंट जलेबी है तो इसमें इनो डलता है और फटाफट बन भी जाता है। इसको बस मिक्स कीजिए आटे को और फटाफट जलेबी बनाइए। कोई रखने की झंझट नहीं है कि रात में बना के रखना है, सुबह बनाना है, ऐसे कुछ भी नहीं है। बस जल्दी इंस्टेंट बनाना है, घोल तैयार करना है और जलेबी फ्राई करनी है। तो इसे पानी थोड़ा थोड़ा डालते हुए मैं आटा बना रही हूँ, घोल बना रही हूँ। इसको मैं हाथ से ही मिक्स कर रही हूँ। आप चाहे तो स्पून से भी मिक्स कर सकते हो, मैं हाथ की हेल्प से ही मिक्स कर रही हूँ इसे। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालना है, इकट्ठा ज़्यादा पानी डाल के नहीं करना, नहीं तो गांठें पड़ सकती है मैदे में। इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा डाल के और मिक्स करती जा रही हूँ इसको। इसको हमें अच्छा फ्लुएंट कंसिस्टेंसी में हमें बैटर तैयार करना है, जैसे केक का बैटर रहता है उस तरह से रेडी करना है इसे। तो मैं हाथ से मिक्स करती जा रही हूँ। इनो के कारण ही काफ़ी फ्लफी हो रहा है, बढ़िया सी हमारी जलेबियाँ बनेंगी। एकदम से पानी बिल्कुल ना डालें, थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए ही इसको मिलाते जाना है। और आप मुझे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हो, फेसबुक पेज का नाम है आरडी कुकिंग। तो जल्दी से फेसबुक पे जाइए, आरडी कुकिंग टाइप कीजिए तो मेरा पेज आ जाएगा। और आप प्लीज़ लाइक कीजिए और मुझे फॉलो कीजिए वहाँ पर। थोड़ा थोड़ा पानी डालना है, मिक्स करना है, बैटर को रेडी करना है। ये बैटर हमारा लगभग पूरा रेडी हो चुका है, इतनी कंसिस्टेंसी हमें चाहिए। पतला ही चाहिए, एकदम गाढ़ा बहुत नहीं चाहिए और ज़्यादा पतला भी नहीं चाहिए। तो चलिए जल्दी से फ्राई करते हैं। तो यहाँ मैंने फ्राइंग पैन लिया है, फ्राइंग पैन में बहुत अच्छे से जलेबी बनेगी। और यहाँ पाइपिंग बैग लिया है जिसमें मैं ये घोल रेडी कर लूँगी, घोल इसमें डाल दूँगी। आप चाहे तो जो बॉटल आती है जलेबी बनाने की, वो भी आप यूज़ कर सकते हो। मेरे पास पाइपिंग बैग थी तो मैं पाइपिंग बैग की हेल्प से ही बना रही हूँ। तो इस तरह मैं बना रही हूँ जलेबियाँ। एक टर्न मैंने बना लिया था, ये सेकंड टर्न आपको दिखा रही हूँ बनाते हुए। इस तरह बस गोल गोल घुमाते जाना है, बहुत इजीली ये बन जाती है। घोल ज़्यादा पतला मत कीजिएगा, नहीं तो जब हम डालते हैं फ्राइंग पैन में फ्राई करने के लिए तो एकदम फूटने लगती है, फूल जाती है बहुत ज़्यादा ही। तो आप देख सकते हो कितनी अच्छे से ये घूम रहे हैं और बहुत ही अच्छे से ये बन रही है जलेबी। एक टाइम में जितनी जलेबी आए फ्राइंग पैन में उतनी मैं डाल रही हूँ। और इसको हमें करना है थोड़ा फ्राई, मीडियम आंच पे फ्राई करना है। और जल्दी से फ्राई भी हो जाती है, बिल्कुल इंस्टेंट जलेबी है तो जल्दी ही बन जाती है। इसको पलटना है दोनों तरफ से, अच्छे से सेकना है हमें, अच्छे से मतलब बिल्कुल हमें इसको ब्राउन नहीं करना है, जिस हल्का कलर चेंज होने जितना ही फ्राई करना है। और फिर सीधे हम डाल देंगे चाशनी में। तो चाशनी का गैस ऑफ ही है, चाशनी गर्म ही है, बिल्कुल उबलती हुई चाशनी में हमें नहीं डालनी है ये। तो चाशनी मेरी बिल्कुल रेडी है, गैस ऑफ है। तो बस जैसे ही फ्राई होती है और मैं चाशनी में इसे डिप कर दी जाऊँगी। डिप करके जस्ट डालना है और निकालना है, एकदम डाल के रख नहीं देना है रसगुल्ले की तरह, इसको बस डालना है और निकाल देना है। ये तो जलेबी जो है बहुत ज़्यादा ही सॉफ्ट हो जाएगी, हमें ज़्यादा सॉफ्ट नहीं चाहिए। ये देखिए हल्का कलर चेंज हो चुका है। तो मैं चाशनी जो मेरी थी पतीले में, मैं उसमें डालती जा रही हूँ। मैं डाल के जस्ट इसको डिप करना है और निकाल देना है। थोड़ा वीडियो मेरा अच्छे से नहीं आ पाया है चाशनी में डालने का। मैं चाशनी में डाला है, उसको मिक्स किया है और फिर मैंने वापस से उसको निकाल दिया है चिमटे की हेल्प से। इजीली उसको बाहर प्लेट में निकाल दिया है जलेबियों को।
इस तरह बाकी सारी हमें रेडी करनी है। तो थोड़ा सा वीडियो मेरा नहीं आ पाया है चाशनी में डालने का, मैंने कोशिश की दिखाने की बट वो कैमरे में शायद नहीं आ पाया, उसके लिए सॉरी। तो बाकी जलेबियाँ जो पड़ी है उनको मुझे जलाना नहीं है, निकालना है। मैं थोड़ा सा वो निकालने चली गई थी, चाशनी में से निकाल रही थी जलेबियाँ, फटाफट मैं वापस आके इसको निकाल दे रही हूँ, नहीं तो ये जल जाएंगी। इनको भी मैं फटाफट डाल देती हूँ चाशनी के पतीले में। बहुत ही क्रिस्पी बढ़िया सी है, और जैसे हम चाशनी में डालेंगे तो ये जूसी बन जाएंगी अंदर से, बहुत ही अच्छी लगेंगी टेस्ट में ये। और भी जलेबियाँ इस तरह से बना लेंगे, रेडी कर लेंगे, और चाशनी में हम डुबाते जाएंगे। तो मैंने गैस थोड़ा बंद कर दिया, बहुत गर्म हो गया था तेल क्योंकि, और मैंने बाकी और भी डाल दी है। आप देख सकते हो इसमें थोड़ा वीडियो आ गया है चाशनी में डुबोने का, तो बहुत ही अच्छा कलर आया है जलेबी का, आपने देखा बहुत ही अच्छा कलर आया है, बहुत ही अच्छा। तो बाकी सारी जलेबियाँ इस तरह रेडी कर देंगे चाशनी में डुबो डुबो के, बहुत ही इंस्टेंट है, जल्दी बन जाती, 10 से 15 मिनट में ही बन जाती। तो आप ज़रूर इसे ट्राई करें, ज़रूर ट्राई करें। और ये देखिए कितनी मस्त लग रही है जलेबी, बहुत अच्छा कलर आया है इनमें, और मैं थोड़ा पिस्ता से इसे गार्निश कर रही हूँ। तो आप जल्दी से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि आपको मेरा वीडियो कैसे लगा जलेबी का। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। ये बहुत ही अच्छी, बहुत ही यम्मी, बहुत ही टेस्टी बनी है। मैं तोड़ के आपको दिखाऊंगी ये कितनी बढ़िया लग रही है, बाहर से क्रिस्पी है, अंदर से जूसी सॉफ्ट है, बहुत ही टेस्टी है। आप इसे ज़रूर ट्राई करें और मुझे बताएं कि आपको मेरा वीडियो कैसे लगा। मस्त सी रेसिपी आप ट्राई कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री गणेश, वाहेगुरु।